खरगोन की गोवर्धन नाथ हवेली में ब्रज के तर्ज पर 40 दिन तक होली खेली जाती है। इस दौरान श्रद्धालुओं में आस्था और श्रद्धा नजर आती है। बसंत पंचमी से होलिका दहन के बाद धुलेंडी तक आस्था और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी के साथ प्रतिदिन श्रद्धालु होली खेलते हैं। इस वर्ष 8 मार्च को होली उत्सव का समापन होगा। खास बात यह है कि प्राकृतिक रंग यहां तैयार किए जाते हैं। अंतिम 5 दिन गीले रंगों से और शुरुआत के 35 दिन अबीर गुलाल के साथ सूखे रंग से होली खेली जाती है। ब्रज के तर्ज पर मंदिर में होली के दौरान होली के रसिया गीतों पर महिलाएं गोपियां बनकर जमकर नृत्य करती है। इस दौरान आस्था भक्ति दिखाई देती है। मंदिर में होली के दौरान मुखिया जी के द्वारा उड़ाए जाने वाले कलर को हर कोई अपने ऊपर डलवाने के लिए आतुर नजर आता है। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। होली के रसिया की जय हो। हम लोग वैष्णव संप्रदाय को बिलोंग करते हैं और खरगोन नगर में अपना द्वितीय पीठाधीश्वर दिवेश बाबा की हवेली में 40 दिन से होली के फाग उत्सव चल रहे हैं, जिसमें क्रम अनुसार कार्यक्रम होते हैं और सभी वैष्णवजन आके इस होली का बहुत सुंदर लाभ लेते हैं, जिसमें अपना शुद्ध रूप से बनाई हुई, हाथ से बनाई हुई गुलाल और अबीर का उपयोग करते हैं। किस प्रकार से रसिया गीत भी होते हैं? मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में रसिया के जो होली के गीत है वो सिर्फ खरगोन हवेली में ही रसिया के गीत गाए जाते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को रसिया के माध्यम से होली के पद सुनाए जाते हैं, जिसमें ठाकुर जी को होली के रसिया के भाव उत्पन्न किए जाते हैं। आज खासा उत्साह है, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी नहीं, ये उत्साह तो पिछले 40 दिनों से है, जिसमें गीली होली अभी पिछले 3 दिन पहले ही शुरू हुई है और यह डोल उत्सव आने वाली 8 तारीख को डोल उत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें ये गीली होली पूरे 4 दर्शनों के माध्यम से सभी वैष्णव इसका लाभ उठावेंगे। योगेश सराफ। जैसे कृष्ण यहाँ राधा का ठाकुर जी की हवेली है, इसमें ठाकुर जी की हवेली में 40 दिन 41 दिन की होली होती है, जो डोल उत्सव के दिन समाप्ति हो जाएगी। बसंत पंचमी से शुरुआत होती है इसकी, आज इसका अंतिम दिन है, मतलब आखिरी लास्ट दिन है, और इसके बाद में डोल उत्सव के दिन 4 पहर के दर्शन खुलेंगे और 4 पहर के दर्शन में बहुत अच्छे से होली खेली जाएगी, ठाकुर जी को खिलाएंगे। बहुत आनंद रहता, बहुत उत्साह रहता हमारे ठाकुर जी के अलावा, हमें कोई और आनंद की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम ठाकुर जी हैं हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीमा महाजन। क्या रहता होली का उत्साह कितना रहता? यहाँ पर 40 दिन तक ठाकुर जी की होली मनाई जाती है और इसे सब हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। ठाकुर जी में फाग उड़ाई जाती है, गीले रंग की होली 5 दिन तक उड़ाई जाती है, किचकारी से होली खेली जाती है और पूरे खरगोन के बहुत सारे उत्साह लेने के लिए मंदिर में आनंद लेने के लिए आते हैं और झूमते गाते हैं और आनंद में डूब जाते हैं। घूमर करते हैं, नाचते हैं, रसिया गाते हैं। परंपरा क्या होता है? ये होली ब्रज के होली के हिसाब से मनाई जाती है, जैसे ब्रज में 40 दिन होली होती है, बसंत उत्सव से लेकर डोल उत्सव तक होली का दहन के दूसरे दिन तक चली जाती है। इसमें आखिरी के 5 दिन गीले रंग से होली खेली जाती है, बाकी शुरू के 35 दिन अबीर गुलाल से होली खेलाई जाती है ठाकुर जी को। पूरे ब्रज की जैसे यहाँ भी होली खेली जाती है, रोज़ रसिया गाए जाते हैं, रसिया में सभी गोपियाँ अपने मन से नृत्य करती है, झूमती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है यहाँ पे। प्रीति महाजन, प्रीति गोपाल महाजन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।